सुप्रीम कोर्ट ने बजरी के अवैध खनन पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके बजरी माफिया अपनी ऊंची पहुंच और प्रशासन से मिलीभगत कर बजरी का बेखौफ परिवहन कर रहे हैं, जिसे नागौर के रिया से राजधानी तक पहुंचाकर डबल दरों पर बजरी को बेचकर चांदी कूटी जा रही है और सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। ऐसा ही मामला देखने को मिला राजधानी के दूदू क्षेत्र में, जहां नागौर के रिया से बजरी के डंप पर ओवरलोड होकर अजमेर के रूपनगढ़, जयपुर के नरेना, दूदू सहित कमिश्नरेट के बगरू और भांकरोटा को क्रॉस कर राजधानी में पहुंच जाते हैं। हालांकि भारी दबाव के बाद कभी कभार क्षेत्र में पुलिस इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई कर इतिश्री कर लेती है। वहीं बजरी माफियाओं के वाहन सड़कों पर यमदूत बनकर दौड़ते हैं, जिससे क्षेत्र में जनहानि का भी खौफ बना हुआ है। क्या है कि रात को काफ़ी बजरी के डंपर निकल रहे हैं, जिससे दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ रहता है। रोड है उसकी हालत ख़राब हो गई है, जगह जगह से रोड फूट गई है और भारी मात्रा में रात को मतलब अवैध तरीके से बजरी का खनन वो किया जाता है और डंपर निकलते हैं काफ़ी, जिससे हमेशा दुर्घटना से हम भयभीत रहते हैं। बच्चों को निकलने नहीं देते, हम डर रहता है हमेशा कि कहीं